हाँ जी भाई, सभी को राम राम, जय भोलेगी। और आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो मैं और हमारी धर्म पत्नी की, इधर देखिए, मंदिर आए हम दोनों, मंदिर आए हैं शिव जी के। अभी हम दौसा में हैं, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है जहाँ पे झांकी सजती है। ये देखिए, आज शाम के लिए झांकी सज रही है यहाँ पे। ये झांकी की तैयारी चल रही है, पूरा का पूरा सेटअप तैयार होगा शाम के लिए लग रहा है। ये सबसे पहले गणेश जी का मंदिर है यहाँ पे, नहीं सरस्वती जी का मंदिर है। ये सरस्वती जी का मंदिर है, और ये है इधर से गणेश जी का मंदिर। ये है गणेश जी का मंदिर। जय सिद्धि। ये गणेश जी हैं, ये रिद्धि हैं, ये सिद्धि हैं। पहले यहाँ से शिव जी को, यहाँ पर हमने पूजा कर ली है। अंदर जाके, अंदर थे हम लोग, बट वीडियो ऐसा अलाउ नहीं अंदर जाके, बट हमने ले लिए। और मैडम पूजा हो गई है, अब मैडम के तिलक लगवाएंगे हम। तो हमारी पूजा हो गई है, तिलक लग गया है हमारे, और ये मोली बंध गई है मेरे, यानी तुम्हारे कहाँ बंधी, इसकी ये बंध गई है। और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत है यहाँ पे, बट ये मंदिर है जहाँ पे हम मतलब बचपन से आ रहे हैं, खेलने आते थे इसके बगल वाले ग्राउंड में। मंदिर का छोटा सा तालाब है, और इस बार की बारिश में ही यहाँ से लेके सीधा अंदर मंदिर तक आ गया था। ये गेट है इसके अंदर जाने का, बट इस पर लॉक लगा दिया इस बार बारिश की वजह से, और ये अंदर तक जाता है पूरा, और अंदर तक पानी आ गया था इस बार तो मंदिर के। ये है शिव जी का मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर, अभी इसमें जाएंगे। ये मेरे प्रिय हनुमान जी का मंदिर है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जब हम आते थे ना, यानी खेलने यहाँ पे, तो वो पीछे वो ग्राउंड है, वहाँ पे ना खाना प्रसादी होती रहती थी, तो हम खेलने के बाद वहाँ पे जाके काफ़ी बार ऐसा होता था कि भूख लगती थी, हम खाना खाने चल जाते थे। कोई का भी चल रहा होता था, कुछ भी चल रहा होता था, हम खाना खाने चल जाते थे वहाँ पर। और ये जो गार्डन आप देख रहे हो इस साइड पे, ये गार्डन, इसमें हम लोग कबड्डी खेलते थे। हम 8-10 लोग आते थे, और हम लोग कबड्डी खेलते थे यहाँ पे आके। बहुत मज़े किए हैं भाई साहब दौसा में, बहुत आवारागर्दी करी है हमने। ये वो गार्डन है जिसमें हम कबड्डी खेलते थे, मैं, धीरू और हम सारे लफंड रहा के बीच में एक चप्पलों की लाइन खींच देते थे, और कबड्डी खेलते थे, और ऐसे पटकते थे एक दूसरे को, ऐसे पटकते थे मतलब उठा के हैं पागलों की तरह। और वो पीछे स्टेडियम है जहाँ पे क्रिकेट खेलता था मैं, पहले मैं खेलता था 11th-12th में खेलता था, स्टेट लेवल खेला, फिर उसके बाद में हम ऐसे खेलते थे बस, फिर मैं आगे नहीं खेला। सो ये था हमारा आज का अंतिम सोमवार सावन का, और आप सभी को सावन की बहुत बधाइयाँ हो, आपका सावन भी अच्छा गया हो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैडम आप कुछ नहीं बोलते, आप बाली संभालते हैं बस, हम अपनी सुंदरता का ख्याल रखना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।